सिंगरौली पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशानुसार कोतवाली टीआई मनीष त्रिपाठी द्वारा आचार संहिता के मद्देनजर अपराधियों, गुंडा, बदमाशों एवं स्थायी वारंटियों की धरपकड़ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली टीआई मनीष त्रिपाठी ने टीम रवाना कर 14 वर्ष पूर्व चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी सहित एक्सीडेंट से मृत्यु के मामले में फरार चल रहे दो अंतर्राज्यीय स्थायी वारंटी को सोनभद्र उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मुखिल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष त्रिपाठी ने एक पुलिस टीम रवाना कर उक्त आरोपियों को महनगावा निवासी स्थान पर दबिश देकर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी हाईवा में गिट्टी लोड कर मकरोहर के से बेड़न आ रहा था, जिसके चक्का के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया था, जो लगातार पेशे से अनुपस्थित रहकर बेंगलोर में ट्रक चला रहा था। वहीं घर आने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उक्त कार्रवाई में प्रधान आरक्षक संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, आरक्षक संजय परिहार, महेश पटेल, प्रवीण सिंह, महिला आरक्षक शकुंतला की सराहनीय भूमिका रही। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।